नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हमारे पास आई बजाज की पल्सर 125, 125 सीसी की बाइक है, नया मॉडल है, E20 का ये मॉडल है। इस बाइक में आपको बताऊंगा सर्विस का रिमाइंडर आता है, एक चाबी जैसा निशान होता है, उसको कैसे हटाया जाता है, यानी सर्विस रिमाइंडर को जो रिमूव करते हैं किस टाइप से और किस बटन से करते हैं, ताकि अगर आपकी बाइक में सर्विस का अगर साइन आने लग जाए तो आपको कैसे आप घर बैठे ही आप इसको हटा सकते हैं। तो करना क्या दोस्तों, आपके साइड में आप मीटर देखोगे, यहाँ पे एक बटन देखने को मिलेगा जो कि ओडो ट्रिप, ट्रिप वन, ट्रिप टू वगैरह इसमें चेंज होता रहता है, उसको दबा के रखना है, चाबी को ऑफ करके चाबी को ऑन करना है। 5 सेकंड के आसपास इसको दबाओगे तो यहाँ पे आप सर्विस का रिमाइंडर जो देख रहे हैं वो बिलिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही बिलिंग करता है, देखो बिलिंग कर रहा है, 2 सेकंड के लिए छोड़ना है, तुरंत ही उसको दबाना है। जैसे ही आप दबाओगे तो नेक्स्ट सर्विस आपको देखने को मिलेगा, तो ये 9450 पे अगली बार दिखा रहा है आपको। इस तरीके से नेक्स्ट सर्विस पे फिर आएगा तो इसी तरीके से आप फिर दोबारा इसको हटा सकते हैं। तो सर्विस रिमाइंडर हटाने के लिए E20 मॉडल जो बाइक की पल्सर है बजाज की, उसको हटाने के लिए आपको सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर पे ही आप इसको हटा सकते हैं। तो नया मॉडल आता है 2024 का, नया मॉडल है, उसमें सभी जो भी बाइक है पल्सर में 150 है, 125 है, FI मॉडल है, जो भी है उसको इस तरीके से हटा सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो में बताया। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और कुछ प्रॉब्लम अगर आपकी बाइक में आई तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जवाब 100% दूंगा।